प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ पहुंच गए। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ पहुंच गए। यह दौरा उनका बहुत ज्यादा खास है, इसके बाद कानपुर भी जाना है। ऐसे में आज पीएम नरेंद्र मोदी का पूरा कार्यक्रम क्या रहने वाला है, उस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। कई परियोजनाओं की सौगात कानपुर में वो जनता को देने जा रहे हैं और लोग पीएम के दौरे को लेकर बेहद उत्साहित हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, जब कानपुर के दौरे पर हैं पीएम नरेंद्र मोदी, लखनऊ पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। आप देखिए तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने, एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये उस वक्त की तस्वीर जब एयरपोर्ट पर पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल वहां पर मौजूद हैं, आप देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर मौजूद हैं, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर मौजूद हैं और सभी ने बहुत जोरदार तरीके से स्वागत किया। यहां से पीएम नरेंद्र मोदी क्या मैसेज देते हैं उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, क्योंकि पीएम खुद इस बात को बार बार दोहराते रहे कि अगर देश का विकास एक समतल पटरी पर लाना है तो उत्तर प्रदेश का विकास जरूरी है। और डबल इंजन की सरकार की बात पीएम नरेंद्र मोदी ने तकरीबन हर राज्य में की है, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में उस डबल इंजन को लेकर पीएम क्या कहते हैं, ये जानने वाली बात है। लेकिन फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह स्वागत के लिए पहुंचे। उत्तर प्रदेश को 80,000 करोड़ की बड़ी सौगात मिलने जा रही है। योगी सरकार में दरअसल उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलने का दावा किया जाता है और बदलती तस्वीर का एक बड़ा नमूना आप तब देखेंगे जब पीएम नरेंद्र मोदी 80,000 करोड़ के विकास परियोजनाओं की सौगात आज उत्तर प्रदेश की जनता को देने वाले। कानपुर भी जाना है, लखनऊ पहुंच चुके हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए तस्वीरें इस वक्त एक्सक्लूसिवली हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले जिस वक्त पीएम नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे, वहां पर किस तरीके से उनका स्वागत किया गया, कैसे मुख्यमंत्री का पूरा डेलीगेशन वहां पर मौजूद था, खुद रक्षा मंत्री वहां पर मौजूद थे और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भी उनका स्वागत किया।